जय हिंद, आप देख रहे हैं सीएनसीसी टीवी न्यूज में रैना पंचाल आपके साथ। कोटा जिले के रामपुरा तहसील के जारिल गांव के दलित सरपंच मनुभाई जेठाबाई सोलंकी, जिनकी उम्र करीबन 39 साल, जिनकी आज सुबह बाइक पर अकेले जा रहे थे, तब जारिल गांव के काठी दरबारों ने चुटनी की अदावत रख कर गाड़ी को टक्कर मार गिरा दिया और जान लेने के इरादे से उन पर लाठी से वार कर वहां से भाग निकले। यह सरपंच गांव और समाज के विकास के कार्य में काफी दिलचस्पी रखते थे और नामना भी कमाई थी, जो गांव के दरबारों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इससे पहले भी राजकीय अदावत को लेकर उन पर हमला किया गया था। कई बार होने वाले हादसे से दलित समाज में काफी रोष फैला हुआ है। कई बार जानकारी देने पर भी ऐसे हादसे होते रहते थे, फिर भी कोई ठोस कार्यवाही न होने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस घटना के बाद परिवार पर बड़ी आफत आ चुकी है। मृतक सरपंच ने ड्राइंग डिक्लेरेशन हमले में बताया था कि 6 लोग मौजूद थे और लोगों का कहना है कि सरपंच के परिवार को सरकार कैसे न्याय दिलाती है। खेड़ ब्रह्मा से संवाददाता धीरूभाई परमार की यह रिपोर्ट।